टीवी, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एकदम सुपर आरसी कार की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। दोस्तों ये है रलार्लो आरसी कार। इसकी टॉप स्पीड जा सकती है 80 से 100 किलोमीटर पर आवर तक। कार काफी ज्यादा गजब की होने वाली है। दोस्तों आपको पता होगा अपनी जो बोनसाई आरसी कार है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इसको रिप्लेस करने के लिए ही मैंने रलार्लो आरसी कार खरीदी है। चलो गाइस फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी आज फाइट कराएंगे। लेट्स स्टार्ट। इस कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट मिलता है और ये जो कार है छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बॉक्स देखो यार, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है देखने में। चलो गाइस फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं अपनी कार कैसी है और कार की क्वालिटी वगैरह कैसी है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। ये है इसकी यूजर गाइड, कार को किस तरह से चलाना है सारी चीजें इसके अंदर अपने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ इसके एक्स्ट्रा पार्ट हमें मिल जाते हैं। ओ भाई बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे कि देख सकते हो यार। अच्छा यहाँ पर इसकी एक की है व्हील्स वगैरह ओपन करने के लिए। यहाँ पर इसका डॉग बोन है। मान लो कि अपनी कार का डॉग बोन वगैरह टूट जाता है तो इसको अपन यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। पूरे के पूरे मेटल के चीजें हैं। यहाँ पर है इसका चार्जर और गाइस ये है इसके कुछ पार्ट्स, फ्रंट एंड रियर आर्म्स वो भी टूट जाते हैं तो अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक के बने हुए। ये इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी यार मेरे को, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो यार, सामने की तरफ लगाने के लिए इतना बड़ा वाला एक एंटी कोलिजन बम्पर भी मिल जाता है। मान लो कि अगर आप ये कार अभी फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो ये बम्पर लगाकर आप सीख सकते हो। कार कहीं पर भी क्रैश होगी तो इसको डैमेज होगा, अपनी कार को कुछ नहीं होगा। इसको फिलहाल अपन रखते हैं साइड में। यहाँ पर है इसकी एकदम जबरदस्त वाली चीज, ये 2800 mAh की 7.4 वोल्ट लाइपो बैटरी। इससे ही आपको पता चल गया होगा कि अपनी जो कार है कितनी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। यहाँ पर इसके कुछ रबर के सील्स हैं और कुछ नट्स वगैरह इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं। अभी फटाफट से निकालते हैं अपनी कार को इसके अंदर से बाहर। ये देखो यार, आ गई अपनी कार बाहर। भाई साहब इसका कलर देखो यार, बहुत ही ज्यादा ऑसम लगा मेरे को। यहाँ पे इसका नाम लिखा है रलार्लो बोलकर, भाई एकदम अजीब सा नाम लिख रखा है यहाँ पे। कार के जो तकरीबन पार्ट्स हैं मेटल के बने हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। और क्या क्या है देख लेते हैं यार बॉक्स के अंदर। यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स है लगता है इसके अंदर, इसका रिमोट है। हाँ गाइस देख सकते हो ये रहा इसका रिमोट। देखो यार यहाँ पे इसकी जो स्टीयरिंग है ये भी पर्पल कलर में दी हुई है। इस तरह का रिमोट मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा अलग किस्म का रिमोट है। शायद इसको सिंगल हैंडेड अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्टीयरिंग है बहुत ही ज्यादा दूर दी गई है। ऊपर की तरफ अपने को तीन नॉब्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके कुछ और सेटिंग्स है, यहाँ से अपन इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे दो LED इंडिकेटर भी इसके अंदर मिल जाते हैं। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है रिमोट की। आज मैं रलार्लो आरसी कार की फाइट कराने वाला हूँ WL Toys 124019 के साथ। देख सकते हो दोनों कार जो है थोड़ी बहुत सिमिलर नजर आ रही है क्योंकि दोनों का कलर थोड़ा सा मैचिंग आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इसकी क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले अंदर के जो पार्ट्स है वो भी देख लेते हैं, साथ में इसकी क्वालिटी कैसी लगी ये मैं आपको बता दूंगा फटाफट से। ऊपर का जो शेल है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं जब अपनी कार क्रैश भी हो जाएगी तो। सबसे खास चीज इसके अंदर यहां पर एक ब्रशलेस रिसीवर है। रिसीवर के ऊपर देखो यार एक फैन भी दिया हुआ है और ये फैन क्यों दिया है मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर जो है रिसीवर हीट होने के कारण कार जो है बीच बीच में रुक जाती है, जैसे कि सेम प्रॉब्लम थी अपनी बोनसाई कार के साथ। अगर अपन उसको ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा फाइट कराते हैं तो वो बार बार बंद हो जाती थी, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसीवर के ऊपर ये एक कूलिंग फैन लगा दिया है। ऑन कर देते हैं, बैटरी मैंने इसके अंदर लगा दी है। देखो यार जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है फैन अपने आप ही घूमने लगा है। जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ेगी ये फैन की भी स्पीड जो है उसी तरह से बढ़ने लगेगी। आप देखो बस, ओ भाई साहब कार अभी मेरे हाथ से गिरते गिरते रहेगी यार, इतनी ज्यादा गजब की स्पीड है इसके अंदर। सामने की तरफ देखो यार मेटल शॉक एब्जॉर्बर अपने को मिल जाएंगे, पूरी तरीके से हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है। व्हील्स की क्वालिटी एकदम तगड़ी है, डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। व्हील्स के ऊपर जो ग्रिप है बहुत ही अच्छी मेरे को लगी। फटाफट से इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं बाहर दोनों के बीच में फाइट कराने के लिए। ये ब्रशलेस नहीं है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। दोनों के अंदर मोटर बिल्कुल सेम टू सेम है, उसके अंदर ब्रशलेस है, इसके अंदर ब्रशलेस नहीं है। सेम ESC मेरे को लग रहा है, पर इसका ESC देखो यहाँ पर जस्ट थोड़े से कूलिंग फिन्स दिए हुए, फैन कुछ भी नहीं लगा हुआ है। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं बाहर, कराते हैं और दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं भाई आज कौन जीतेगा। लेट्स गो दोस्तों।
ऑलराइट गाइस, आज तो एकदम तगड़ी बरसात हो रही है यहाँ पर। कार को चलाने में बड़ा मजा आने वाला है। फटाफट से ब्रेक्स लगा के देखते हैं अपनी कार के, एकदम परफेक्ट ब्रेक्स है। ओ भाई, कार के अंदर पावर बहुत ही ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख संभल कर इसको चलाऊंगा। यहाँ पे देखो यार, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, पानी में से तो भाई एकदम रॉकेट की तरह निकल चुकी है अपनी कार। फटाफट से यहाँ पे इसको 360 डिग्री कराते हैं। ओ माय गॉड, एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी कार 360 डिग्री भी मार सकती है। अभी टच करेंगे W12 4019, इसकी भी टॉप स्पीड बहुत ही ज्यादा दी गई है, इसको भी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। ब्रेक्स लगाते हैं, ब्रेक्स तो यार इसके बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहे हैं पानी गिरने के कारण। अभी 360 डिग्री घुमाते हैं। यार ये भी जो कार है ना, बहुत ही परफेक्ट तरीके से 360 डिग्री घूम सकती है। एक चीज है, ये कार बिल्कुल भी वाटरप्रूफ है नहीं। आज देखते हैं ये कार बच पाती है या नहीं पानी में चलाने के बाद। ओके गाइस, अभी अपन इन दोनों के बीच में रेस लगाने वाले हैं। देखते हैं रेस में कौन सी कार यहाँ पे जीतेगी। दोनों की स्पीड उतनी है यार, 80 से 100 किलोमीटर पर आवर तक दोनों कार चल सकती है। अभी थोड़ा सा मैं स्लो चला रहा हूँ दोनों को, अभी बढ़ाते हैं स्पीड। ये देखो जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, रेलारो कार आगे निकल चुकी है, पीछे जा रही है डब्ल्यू टॉयज। ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, ये देखो भाई दोनों की। ओ माय गॉड, दोनों कार को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। अबे भाई ये देखो यार, डब्ल्यू टॉयज मेरे पैर को लगते लगते रह गई भाई। मैं अगर पैर नहीं हटाता तो मेरा पैर यहाँ पे टूट जाता। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो दोनों की स्पीड उतनी है यार, यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो चुका है पूरी तरीके से। दोनों के बीच में अपन ने जो रेस कराई थी बहुत ही ज्यादा कांटे का मुकाबला चल रहा था दोनों के बीच में। अभी कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं यार कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। देखो यार दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है, कितना ज्यादा बरसात हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो यार। दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है। देखो यार, कभी ये कार इसको खींच रही है, कभी ये कार इसको खींच रही है। ओ भाई, दोनों के बीच में यहाँ पे वापस से टाई हो चुका है यार। ओके गाइस, अभी अपन लोग आ चुके हैं ऑफ रोड में। यहाँ पे दोनों के बीच में क्लाइम टेस्ट मैं कराने वाला हूँ। सामने देखो यार, एक मिट्टी का पहाड़ है, इसके ऊपर से अपनी डब्ल्यू टॉयज जंप मार सकती है नहीं, देख लेते हैं यार। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बरसात हो रही है और अपने डब्ल्यू टॉयज की ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण देखो यार, ये पूरी तरीके से कीचड़ में फंस चुकी है, बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर रही है। सेम टेस्ट करते हैं अपन रेलारो आरसी कार के साथ, देखते हैं ये यहाँ से निकल पाती है नहीं। यार ये फंसते फंसते रह गई, देख सकते हो ये एकदम से यहाँ पे जंप मार के आगे निकल चुकी है, जीत चुकी है रेलारो आरसी कार क्लाइंबिंग के मामले में। अभी रेलारो आरसी कार का वाटरप्रूफ टेस्ट अपन करने वाले हैं। देख सकते हो यार, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पानी है, इसके अंदर से मैं चला रहा हूँ कार, बिल्कुल भी कहीं पर भी रुक नहीं रही है, बहुत ही मस्त तरीके से इतने ज्यादा बरसात के पानी में भी निकल चुके हैं। सेम टेस्ट करते हैं डब्ल्यू टॉयज 12 4019 के साथ, ये कार बिल्कुल भी वाटरप्रूफ है नहीं, फिर भी मैं इसको पानी में चला रहा हूँ गाइस। ये कार भी एकदम जबरदस्त तरीके से पानी में चल सकती है। अभी कराएंगे दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं दोस्तों कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। ओ यार, अपनी डब्ल्यू टॉयज एकदम से रेलारो आरसी कार के ऊपर चढ़ चुकी थी। रेलारो आरसी कार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एक धक्का मारकर भाई इसने गिरा दिया है डब्ल्यू टॉयज आरसी कार को। भाई सच बता रहा हूँ, काफी ज्यादा पावर है यार रेलारो आरसी कार के अंदर। ठीक है गाइस, अभी अपन यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं रेंज टेस्ट दोनों आरसी कार्स के बीच में, देखते हैं यार कौन सी आरसी कार बहुत ज्यादा दूर तक जा पाती है। दोनों के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट अपने को मिल जाता है। मेरे को लगता है दोनों की रेंज उतनी ही दी गई है क्योंकि यार यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही कार्स 100 मीटर दूर जाकर रुक चुकी है। दोनों की रेंज बिल्कुल सेम टू सेम है, वापस से दोनों के बीच में टाई हो चुका है गाइस। ठीक है दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको रेलारो सुपर आरसी कार पसंद है या फिर अपनी डब्ल्यू टॉयज 12 4019 पसंद है। नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है सुशील कुमार, समीर, दीवित, जायद, सोहम, अरमान, यशुकर्ष, रुद्र प्रताप, संकीर्त, रेहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।